जय श्री श्याम। मंजू की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे सॉफ्ट और स्पंजी दही वड़ा और साथ में इमली की खट्टी मीठी चटनी और हरा धनिया पुदीने की चटनी। तो आइए शुरू करते हैं बनाना दही वड़ा और चटनी। दही वड़ा बनाने के लिए हमें मूंग की दाल और उड़द की दाल की ज़रूरत पड़ेगी। मूंग की धुली हुई दाल लेंगे हम 3/4 कप और उड़द की धुली हुई दाल लेंगे हम 1/4 कप। ये दोनों दालों को मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके रात को भिगो के रख दिया था और ये अच्छे से भीग चुकी है। ये भीग के देखिए इस तरह से डबल हो जाएगी, बिल्कुल बहुत अच्छे से भीग गई है। आप चाहे तो इसे 4-5 घंटे भी भिगो सकते हैं। अब दाल को हम पीसेंगे। दाल को पीसने के लिए हम इसका सारा पानी निकाल देंगे। दाल का सारा पानी निकाल दिया है। अब इसको मिक्सी के जार में डालेंगे। दाल को हमें एकदम गाढ़ा पीसना है। इसमें बस सिर्फ हम 1 चम्मच पानी ऐड करेंगे। इसका हम एकदम गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे और एकदम बारीक और स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। इसमें बस हम 1 चम्मच पानी डालेंगे। अब इसको हम पीसेंगे। दाल का हमने एक बारीक सा स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। ये देखिए हमें इस तरह से इसको एकदम से बारीक पीसना है। इस तरह से हमें इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है। अब इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। दाल को हमने बाउल में निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम 1/2 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे। दाल को हम 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से फेटेंगे, जब तक कि अच्छे से फ्लफी ना हो जाए। इसको हम हाथ से फेटेंगे। हाथ से दाल बहुत अच्छे से फेटती है, वैसे आप चाहे चम्मच से भी फेट सकते हैं। इसको हम इस तरह से फेटेंगे जिससे इसमें अच्छे से एयर इकट्ठी हो और वड़े हमारे बहुत अच्छे से फ्लफी बने। इसको हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए फेटेंगे। 10 से 15 मिनट बाद इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये बहुत अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएगी। दाल को फेटते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। दाल हमारी बहुत अच्छे से फ्लफ़ी हो चुकी है, बहुत फूल गई है अच्छे से। इसका देखिए कलर भी चेंज हो गया है और इस तरह से करने से ये गिर भी नहीं रही है। इसका मतलब हमारी दाल बहुत अच्छे से फिट गई है। इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे और इस तरह से एक ड्रॉप डालेंगे इसमें। ये देखिए ये ऊपर तैर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारी दाल अच्छे से फिट गई है। अगर आप दाल को हाथ से ना फेटना चाहें तो आप इस तरह से दाल को इस तरह से करें और इसमें अच्छे से एयर इकट्ठी हो जाए, तब तक इसको इस तरह से फेंटें, या फिर इससे विस्कर से भी फेंट सकते हैं आप। दही वड़े बनाने की सबसे बड़ी ट्रिक यही है कि अगर इसको हम जितना अच्छा फेंटेंगे उतने ही अच्छे फ्लफी और सॉफ्ट बनेंगे। अब हम दही वड़े बनाना शुरू करते हैं। तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तेल को मैंने पहले ही चढ़ा दिया था गर्म करने के लिए। अब हम वड़े बनाना शुरू करेंगे। वड़े आप चाहे तो इस तरह से चम्मच से भी बना सकते हैं। आप इस तरह से चम्मच में लें और इस तरह से चम्मच से भी बना सकते हैं, और या फिर आप इस तरह से हाथ से भी बना सकते हैं। साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा और बड़ा कर सकते हैं। दाल अच्छे से पिटी होगी तो ये तेल में जाके और भी अच्छे से फूल जाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से और फूल गए। दही वड़े बनाते समय अगर आप सारी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो आपके दही वड़े बहुत अच्छे बनेंगे। ये धीरे धीरे देखिए अपने आप पलट रहे हैं। एक बार अब इनको धीरे धीरे हम इस तरह से पलटेंगे। फ्लेम को पहले मैंने लो टू मीडियम रखा हुआ था, अब मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है। इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। आप इस तरह से जर से घुमाएंगे तो वड़े अपने आप घूमेंगे और अच्छे से चारों तरफ सिकेंगे। 1 कप दाल से बहुत सारे वड़े तैयार हो जाते हैं। आप इन वड़ों को चाहें तो ठंडा करके एकदम अच्छे से ठंडा करके फ्रीजर में एयरटाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं 1 हफ्ते के लिए स्टोर करके। जब इनको खाना हो तब आप इनको थोड़ी देर पहले निकालें और गर्म पानी में भिगोएं और दही वड़े बना लें। वड़े गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। इसको हम 2 मिनट के लिए और तलेंगे। वड़े को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, इस तरह से हम हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे। और ये वड़े अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको हम एक टिश्यू पे निकाल लेंगे। फ्लेम को कम कर देंगे हम। ये देखिए कितने अच्छे वड़े तैयार हुए बनके। इसी तरह से हम बाकी के वड़ों को भी तलेंगे। अभी फ्लेम को मैंने कम रखा हुआ है। अब फ्लेम को हम तेज कर देंगे। इसी तरह से इनको भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। ये वाले वड़े भी हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इनको भी हम टिश्यू पे निकाल लेंगे
वड़े का कलर हमें इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना, फिर वो देखने में अच्छे नहीं लगते। हमें इस तरह के गोल्डन ब्राउन रखने हैं। सभी वड़े बनके हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देखिए हमारे कितने अच्छे वड़े बने हैं। इनको मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जालीदार, बहुत ही अच्छे बने हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट और स्पंजी वड़े बने हैं। अब इनको हम पानी में भिगोएंगे। एक बाउल लेंगे, इसमें मैंने ये 2 कप पानी गुनगुना डाला है। हल्का सा गर्म पानी लिया है। 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे। 1 पिंच हींग डालेंगे। अगर आप हींग खाते हैं तो डालें, हींग डाइजेस्ट करने में बहुत अच्छा रहता है। वड़े थोड़े हैवी हो जाते हैं इसलिए हींग डालने से ये जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। अब इसके अंदर वड़े डालेंगे। मैं ये सारे वड़े नहीं डालूँगी, 7-8 पीस डालूँगी बस। बाकी के मैं फ्रीज़र में स्टोर करने के लिए रख दूँगी। जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तो मैं इसको एक एयरटाइट कंटेनर में फ्रीज़र में स्टोर करके रख दूँगी। जब हमें इसे बनाने होंगे तो आधे घंटे पहले निकालेंगे और उसको नॉर्मल टेम्परेचर आने पे इसको थोड़े से गर्म पानी में भिगोएंगे आधे घंटे के लिए। फिर ये हमारे दही बल्ले बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब इसको हम आधा घंटे के लिए ढक के रख देंगे। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं, चटनी बनाना शुरू करते हैं। इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने ये 50 ग्राम इमली ली है। इमली में से सारे बीज निकाल दिए, ये बिना बीज की इमली है। इमली को मैंने 2 घंटे पहले बहुत अच्छे से साफ करके, बहुत अच्छे से धो के इसको मैंने 2 कप पानी में भिगो दिया था। ये अच्छे से भीग गई है। अब इसकी हम चटनी बनाना शुरू करते हैं। एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें हम ये इमली डालेंगे। अभी इसका हम सारा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। बाकी के पानी को हम बाद में काम लेंगे। इमली को मैंने मिक्सी के जार में डाल लिया है। इसको हम एकदम बारीक पीसेंगे। इमली को हमने बारीक पीस के इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। ये देखिए इसको इस तरह से हमें एकदम बारीक पीसना है, एकदम स्मूथ सा पेस्ट तैयार करना है इसका हमें। अब इसको हम एक बाउल में छानेंगे। इमली के पल्प को हमें छान के ही काम में लेना है। इमली में बहुत रेशे होते हैं, अगर हम ऐसे ही बनाएंगे तो रेशे मुँह में आएंगे तो अच्छी नहीं भी लगेगी चटनी बिल्कुल भी। इसको हम इस तरह से अच्छे से छानेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, जो हमने पानी बचा के रखा हुआ था हम इसको इस मिक्सी के जार में डालेंगे। जितना ज़रूरत है उतना डालेंगे, अभी हम सारा पानी नहीं डाल रहे। और इसको इस तरह से अच्छे से दबा दबा के हम इसका सारा पल्प निकाल लेंगे। और ये इमली का पल्प हमारा बाउल में आ गया और ये सारा रेशा हम इसको फेंक देंगे। अब इमली की हम खट्टी मीठी चटनी बनाना शुरू करते हैं। एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, करीब 1 छोटी चम्मच। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हम 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे। फ्लेम को कम कर देंगे बिल्कुल। इसमें अब ये इमली का पल्प डालेंगे। फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर देंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे। इसके अंदर हम गुड़ डालेंगे। ये 1/2 कप गुड़ है, मैंने कूट के रखा हुआ है। इसको वेट में देखेंगे तो ये 100 ग्राम है। मीठा आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, अगर कम चाहे तो कम भी डाल सकते हैं और थोड़ा बढ़ा के भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं इसमें, या इसमें 1/2 चीनी और 1/2 गुड़ भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। गुड़ को मेल्ट होने देंगे। फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम रखा हुआ है, इसमें उबाल आ चुका है, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल पाउडर डालेंगे, इससे चटनी का कलर बहुत अच्छा आता है। 1/4 टीस्पून हम गरम मसाला डालेंगे। 1/2 छोटी चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा डालेंगे। 1/2 टीस्पून काला नमक डालेंगे। 1/2 टीस्पून अदरक का पाउडर डालेंगे, जिसे हम सॉल्ट भी बोलते हैं। ये सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे क्योंकि ये ठंडी होने के बाद बहुत गाढ़ी हो जाती है। जो इसका बचा हुआ पानी है इसको भी हम इसमें डाल देंगे। इसको हम 7-8 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे अच्छे से। इमली की चटनी को बनते हुए 7-8 मिनट हो चुके हैं, ये थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है। बहुत ही अच्छी चटनी बनके तैयार हुई है। इसके अंदर हम 1/2 चम्मच रोस्टेड खरबूजे के बीज डाल देंगे। ये अगर पसंद है तो डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब फ्लेम को हम बंद कर देंगे क्योंकि चटनी ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाएगी। ये इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे।
इमली की चटनी को ठंडा होने के बाद हम फ्रिज में 1 से 2 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। इस समय आप चाहें तो थोड़ा सा मीठा टेस्ट कर सकते हैं, अगर कम लगे तो थोड़ा सा मीठा डाल के 2-3 मिनट के लिए और पका लें। और ये हमारी बहुत ही टेस्टी इमली की चटनी बनके तैयार हो चुकी है। हरे धनिया और पुदीने की चाट वाली चटनी बनाने के लिए हम मिक्सी का एक जार लेंगे, उसमें हम 1 कप धनिया लेंगे। ये धनिया मैंने अच्छे से वॉश करके काट के रखा हुआ है। 1/2 कप पुदीना लेंगे, पुदीने को भी मैंने अच्छे से वॉश करके रखा हुआ है। इसमें हम 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे, मिर्च हम अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच काला नमक डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा डालेंगे, 1/4 टीस्पून हम चाट मसाला डालेंगे, 1 नींबू का रस डालेंगे, 1 टेबल स्पून नमकीन डालेंगे, नमकीन भुजिया डालेंगे। ये चटनी का कलर एकदम से सही मेंटेन करके रखती है और चटनी में अच्छी से थिकनेस आ जाती है। अगर आप नमकीन नहीं डालना चाहें तो इसकी जगह मूंगफली डाल सकते हैं या बूंदी भी डाल सकते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम बारीक पीसेंगे एकदम। और ये हमारी हरे धनिया और पुदीने की चाट वाली चटनी पीस के तैयार हो चुकी है। हमें इस तरह से इसको एकदम बारीक पेस्ट बनाना है, एकदम स्मूथ सी चटनी बनानी है। इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। चटनी को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। चटनी हमारी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है। सभी चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं, दही बड़े की हरी चटनी भी बन के तैयार हो चुकी है, इमली की चटनी भी बन के तैयार हो चुकी है। ये मैंने 1 कप दही लिया है, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। 1 कप दही में मैंने 2-3 चम्मच पानी डाला है और इसको अच्छे से फेंटा है मैंने। इसके अंदर 1 छोटी चम्मच हम पिसी हुई शक्कर डालेंगे, पिसी हुई चीनी डालेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। चीनी डालने से दही का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, दही बल्ले बहुत अच्छे लगते हैं। पिसी हुई चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, दही बल्ले को भी भीगे हुए 1/2-1.5 घंटा हो चुका है। इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए दही बल्ले हमारे बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए कितना अच्छा, कितने अच्छे बड़े बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही अच्छी जाली बनी है इसमें, बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार हुए हैं ये। अब हम एक प्लेट लेंगे, प्लेट में हम दही बड़े तैयार करेंगे। बड़े को हम इस तरह से निचोड़ेंगे, इसका पानी निकाल देंगे। ये देखिए बड़े कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं। पानी निकालने के बाद ये वापस से अपनी शेप ले लेगा। अब इसमें हम फेंटा हुआ ये दही डालेंगे। अब इसमें हम इमली की चटनी डालेंगे, इमली की खट्टी मीठी चटनी डालेंगे। खट्टी मीठी चटनी डालने से दही बड़े बहुत टेस्टी लगते हैं। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। और ये चाट वाली चटनी डालेंगे इसके ऊपर हम, और थोड़ा सा बारीक सेब डालेंगे। और ये हमारा बहुत ही टेस्टी टेस्टी दही बड़ा बन के तैयार हो चुका है। एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करें, ये खाने बहुत टेस्टी लगेगा। मुँह में डालते ही एकदम ऐसे घुल जाएगा, बहुत ही मुलायम बने हैं। एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। दही बड़े बनाते समय अगर आप सारी ट्रिक फॉलो करेंगे तो आपके दही बड़े बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनेंगे। इसको बस फेंटने का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जितना अच्छा फेंटेंगे उतने ही अच्छे आपके दही बड़े बनेंगे। एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बेहद पसंद आएगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।